जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते हुए अनेकों स्टेट्स ने अपने होम एग्ज़ाम्स कैंसिल किए हैं, तो इसी सीरीज़ में मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि वो कौन सा स्टेट है जिसने ये डिसीज़न लिया है कि अब वो अपने स्टेट्स के होम एग्ज़ामिनेशन नहीं कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले ही योगी आदित्यनाथ जी ये डिसीज़न ले चुके हैं कि फर्स्ट से एट्थ क्लास तक के बच्चों को यूं ही प्रमोट किया जाएगा। तो अब जानिए कि किस दूसरी सरकार ने ऐसा डिसीज़न लिया है। ड्यू टू द लॉकडाउन एंड पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, द एग्जाम्स फॉर क्लास फर्स्ट टू नाइन्थ एंड क्लास इलेवेंथ वर नॉट कंडक्टेड। कि लॉकडाउन के चलते हुए और पोस्टपोन करते हुए एग्ज़ाम को जो जो क्लास फर्स्ट से लेके नाइन्थ क्लास तक के और इलेवेंथ के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाए थे, एंड इट डज़ नॉट इवन सीम पॉसिबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी ये पॉसिबल नहीं है कि उनको समय पर इनको कंडक्ट करा दिया जाए। देयरफॉर छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट केम टू द डिसीजन ऑफ गिविंग जनरल प्रमोशन टू द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द क्लास फर्स्ट टू नाइन्थ एंड क्लास इलेवेंथ। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो बच्चे फर्स्ट से नाइन्थ क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर इलेवेंथ क्लास में पढ़ रहे हैं उनको जनरल प्रमोशन दे दिया जाए, मतलब उनको आगे के लिए प्रमोट कर दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। तो साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक बहुत बड़ी एक राहत दी है स्टूडेंट्स को, और ये राहत एक तरह से हम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोरोना की वजह से शिक्षा पर कितना असर पड़ा है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति, हमारे देश की जो शैक्षिक स्थिति है वो भी कितनी बिगड़ गई है। तो इस वजह से कोरोना को लेकर ये सरकार ने डिसीजन लिया है। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट हापुड़।